एक कहावत है, इस घोर कलयुग में कोई इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमिक रावण जरूर बन सकता है जो अपने बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़ा। ठीक उसी तरह यूट्यूब पे ही आके यूट्यूबर्स के खिलाफ बोलने के लिए आपको ठीक उसी रावण के दिखाए गए मार्गदर्शन पे चलना होगा, वरना टिकटॉक की तरह आपका भी एक दिन दी एंड हो जाएगा। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को YouTube के इतिहास में पहली बार हमारी मौसी की बेटी से मिलाने जा रहा हूँ। मैं नहीं मानता। अब हो सकता है कि ये बात सुनके मौसी थोड़ा नाराज हो जाए और मुझे गाली देने लगे, इतने गान फटी के। लेकिन देखो, आज चाहे मौसी हो या फिर पूरी दुनिया मुझे कितना भी गाली क्यों ना दे, लेकिन आज तुम्हारा भाई बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तरफ है। तो आइए पेश करते हैं मौसी की बेटी। ओ जिया हो बिहार के लाला। ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये धीमी आंच पे पकी दीपिका पादुकोण आखिर मौसी की बेटी कैसे हो सकती है। तो यार देखो, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस मौसी और इस मोहतरमा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जब भी अपना मुंह खोलती है तो जहर ही उगलती है। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक जोक सुनाना चाहूंगी। एक आदमी एक बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा बहुत बड़ा मसला हो गया। तो बाबा कहते हैं, इतना मसला है क्यों जो बड़ा हो गया। हाँ, तो हमारी बहन आज भी लोगों को वही चौथे क्लास के सांटा और बांटा वाले जोक सुना के हंसाने की कोशिश कर रही है। इतना मसला है क्यों जो बड़ा हो गया। नहीं बहन, अभी जो तुमने चुटकुला सुनाया है ना, ये चुटकुला हम प्राचीन काल में अपने पापा के नोकिया वाले कीपैड फोन से सुनीता और बबीता को भेजते थे। लेकिन मुझे लानत है तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर पे कि आज भी तुम इन्हीं जोक्स पे हंस रही हो। और मजे की बात ये है कि ये लड़की खुद ही जोक्स मारती है और अपने ही जोक्स पे खुद बत्ती से निकाल के हंसती है। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं बहन, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे जोक्स पे हंसना किसको है, हमें हंसना है या फिर तुम्हें खुद हंसना है। दिल ही 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 हंस दिल रिंकिया के पापा ही 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 हंस दिल। वाह 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 वाह। मैं बोला टिकटॉक के चोदे बंसुरी के तू, तूने वाइब्रेटर फिट किया है नीचे जमीन में क्या सोचते हो आप लोग। उसके अंदर ना दो बूंद की कमी है, अब वो चाहे पोलियो का मान लो या फिर स्पर्म्स का। अच्छा, तो यही है असली रोस्ट वीडियो। यार मुझे तो पता ही नहीं था, एक लड़की जब तक अपने मुंह से स्पर्म और वाइब्रेटर नहीं कह देती तब तक दुनिया थोड़ी ना कहेगी। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। और अगर उससे भी छपरी बॉयज इंप्रेस ना हो तो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ और सस्ता जोक्स मारो। मेहंदी लगा रहे हैं, जलेबी तल रहे हैं, मुठ मार रहे हैं और बाकी सब बाद में। सबसे पहले तो कोई इसके मुंह में स्वच्छता अभियान चलाओ यार भाई। मतलब एक बार तुम लोग मैडम के शब्दों पे ध्यान दो, ये वही लड़कियां हैं जो बात बात पे कहती है कि ऑल मैन आर डॉग, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी मर्दों को इंप्रेस करने में नोछावर कर देती है। मेहंदी लगा रहे हैं, जलेबी तल रहे हैं, मुठ मार रहे हैं। और कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हमारी सलोनी सच में जोक सुना रही है या फिर किसी भोजपुरी गाने का लिरिक्स, क्योंकि इतने अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए आज तक मैंने भोजपुरी गाने में ही सुना था, जहाँ भाभी अगर गलती से भी देवर को मिस कॉल भी मार दे तो अगला वहाँ फोन करके कहता है, मिस कॉल मारा तारू किस देव का हो, मिस कॉल मारा तारू किस देव का हो। बाल तो ऐसे है जैसे किसी ने पीछे से बिजली का तार घुसा दिया। और शक्ल भाई, टट्टी जैसी शक्ल है, टट्टी जैसी शक्ल है। हाँ, एक ही बात बोला मैंने क्योंकि एक ही बात है। अच्छा, तो शक्ल की बात कौन कर रहा है देखो, मतलब जिसकी खुद की शक्ल एक वक्त पे मारुति ऑल्टो 800 के टॉप मॉडल से भी ज्यादा खराब थी, वो आज दूसरों के शक्ल की बात कर रही है। मतलब बहन मुंह मत खुलवाओ मेरा।
बस ये गाइस चिकनी ई ई ई ई मैंने थोड़ी थोड़ी पी 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 डब्ल्यू डबल ई डी 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 होमवर्क नहीं की 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 टीचर मारेगी ई ई ई मम्मी को ले जाओ क्या 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 मम्मी बचा लेगी। हाँ हाँ इन्हीं हरकतों को तो देखने के लिए 1.8 मिलियन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब ओवर एक्टिंग की भी हद होती है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। और मुझे ये 100% पता है कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल को किन ठरकी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ये वही लोग हैं जो फेसबुक पे खूबसूरत लड़कियां देखते ही नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर लिख के जाते हैं और लिखते हैं कॉल मी। बिल्कुल ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह जब भी मैं तुम्हारे YouTube चैनल को देखता हूँ तब भी मैं यही सोचता हूँ कि आखिर लोग तुम्हारे वीडियोस क्यों देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे ठरक हवस और अश्लील भाषा के अलावा और है ही क्या। अब इसके वीडियो के टाइटल को देखो जिसमें लिखा है अश्लीलता की भी सीमा होती है, लेकिन इसके खुद के वीडियो के थंबनेल अश्लीलता और हवस से भरे हुए हैं। मतलब मैडम ने इंस्टाग्राम की मलिका शेरावत सोफिया अंसारी के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अश्लीलता आखिर कौन फैला रही है, सोफिया अंसारी या फिर सलोनी सिंह। पता है तू मेरा दीवाना है, मेरे संग टिकटॉक बनाना है, मुझ में नशा। ये लड़की पहले भी टिकटॉक पे अपना जबरा निकाल के हंसती थी और अपने फॉलोअर्स बढ़ाती थी, और आज यूट्यूब पे भी ये वही सेम काम कर रही है, क्योंकि इसके सेंस ऑफ ह्यूमर का हालत तो इस भाई साहब से भी ज्यादा खराब है। अरे माँ चुदी परी है। I think it's a long way to go. It's so क्या वे? मतलब ये पहले अंडर से निकल ले तो दीदी, तब तो अंडर डालेगा वो। या फिर इनडायरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रही है, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं, मतलब तैमूर अभी बड़ा हुआ भी नहीं, देखा मैंने फोटोज में पिद्दी सारी। सोचो ये लड़की किसी 5 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जोक्स मार रही है, लेकिन फिर भी इस लड़की के शक्ल पे ना शर्म है ना हया है। शर्म है कुछ, कुछ शर्म हया है। लेकिन अगर यही जोक मैं किसी 5 साल की छोटी बच्ची के ऊपर अगर मैं मारता तो आज महिला आयोग मेरा यूट्यूब अकाउंट से लेके मेरा प्रधानमंत्री जन धन खाता तक सब बंद करवा देती, और मेरे घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ आके नारा लगाती, बंद करो भाई बंद करो। भाई देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक बात तो तय है, एक बात बिल्कुल पक्का है कि इस धरती का विनाश इन्हीं छपरी लड़कियों के हाथों से होगा जो यूट्यूब पे मुंह उठा के आ जाती है और कुछ भी बकते रहती है। और हद तो तब हो जाती है जब कोई हरामखोर कमेंट करके ये लिखता है, यू आर सो टैलेंटेड सलोनी, प्राउड टू बी योर सब्सक्राइबर। मतलब भाई तुम देख रहे हो हमारी देश की युवा पीढ़ी किस दिशा पे जा रही है, साला लोग यह सलोनी याप्पा के ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेना अब हम लोगों के लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि देश संकट में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सलोनी के भले ही 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई यूट्यूबर नया आता है यूट्यूब पे तो वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने गलती पे सुधार लाता है, अपने कंटेंट पे सुधार लाता है। लेकिन ये सलोनी अप्पा शुरुआत पे जैसा कंटेंट बना रही थी, गंदे गंदे गाली देके, गंदे गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, आज भी ये वही कंटेंट बना रही है। क्या 1.8 मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे लैंग्वेज में वीडियो बनाता है? यार सलोनी कुछ तो शर्म करो यार तुम। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, यार तू ये जो है पीछे तूने जो ये पूरा मीम सेना लगाया है ये तूने कहाँ से लिया है? तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। पैसे आपके खुद के लगेंगे जैसे मेरे लगे थे।